फ्रांस की ऑटोमोबाइल कंपनी रेनॉल्ट जल्द ही आसमान में उड़ने वाली फ्लाइंग कार लॉन्च कर सकती है। कंपनी ने हाल ही में रेनॉल्ट क्वांटेल की 60वीं सालगिरह पर फ्लाइंग मशीन एयरफोर का कंसेप्ट वर्जन पेश किया। कंपनी के अनुसार एयरफोर आज़ादी का प्रतीक है। इसका निर्माण द आर्सेनल कंपनी और रेनॉल्ट ने मिलकर किया है, जो भविष्य में बढ़ते ट्रैफिक में लोगों को राहत देगी। कैसी होगी कंसेप्ट फ्लाइंग कार? फ्लाइंग मशीन एयरफोर पूरी तरह से कार्बन फाइबर से बनी है। इसकी डिज़ाइन क्लासिक कार रेनॉल्ट 4L कार की तरह ही रखा गया है। रेनॉल्ट ने कहा कि थ्रस्ट या लिफ्ट जैसी नई अवधारणाओं को शामिल करने के लिए फ्लाइंग मशीन की रिजिडिटी को पूरी तरह से अपग्रेड किया गया है। इसमें पहियों की जगह हर कोने में 2 ब्लेड प्रोपेलर दिए गए हैं। रेनॉल्ट की के अनुसार वाहन का चेसिस रोटा फ्रेम के बीच में मौजूद है। चालक रेनॉल्ट 4L को उठाकर वाहन में सीट तक पहुंच सकता है और इसे चला सकता है। इस फ्लाइंग इलेक्ट्रिक कार में 22,000 मीटर एएच की लिथियम पॉलीमर बैटरी दी है, जो 93.6 किलोमीटर प्रति घंटा का टॉप स्पीड इस कार को देती है। वहीं एयरफोर फ्लाइंग कार अधिकतम 380 किलोग्राम का वजन उठा सकती है। साथ ही कंपनी का प्लान है कि अगले साल इस फ्लाइंग कार को अमेरिका में लॉन्च किया जाए। क्लासिक कार रेनॉल्ट क्वांटेल ने अपने 60 साल पूरे कर लिए हैं। बता दें, इसका निर्माण 1961 और 1992 के बीच में किया गया था। ब्रांड की ओर से इस कार को एक सरल, कुशल और बहुमुखी व्हीकल के तौर पर पेश किया गया है। रेनॉल्ट ग्रुप के पूर्व प्रमुख पियरे डेम्फस ने इसे एक ब्लू जींस कार का नाम दिया था। वहीं दूसरी ओर लफ्ट कार अमेरिका के फ्लोरिडा में अपनी पहली फ्लाइंग कार का उत्पादन 2023 से शुरू करने की तैयारी कर रही है। लफ्ट कार अपनी पहली फ्लाइंग कार में 6 प्रोपेलर दे सकती है, जो इस फ्लाइंग कार को 220 मील प्रति घंटा की रफ्तार दे सकती है। ये कार 4000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने में रक्षक होगी। अगर इसकी रेंज की बात करें तो ये कार एक बार में 150 मील तक का सफर कर सकती है। इसके अलावा ये फ्लाइंग कार आकाश के साथ सड़कों पर भी आसानी से दौड़ सकेगी।